बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जब से ट्विटर पर एक्टिव हुई हैं, तब से वो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती नजर आई हैं। वो हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपने विचार ट्विटर के माध्यम से रखती हैं। आए दिन कोई ना कोई ट्वीट कर विवादों में घिर भी जाती हैं। इस बीच बुधवार को कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके बाद कंगना ने ट्विटर के सीईओ को टैग करते हुए अपनी भड़ास निकाली, जिन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट को बैन कराने की मांग की थी। अपना अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड होने पर कंगना का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने ट्वीट कर ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को आड़े हाथों लिया। कंगना ने पोस्ट में लिखा, लिबरल लोग अपने चाचा जैक के सामने जाकर रोने लगे और मेरा अकाउंट कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया। वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। मेरा अकाउंट वर्चुअल पहचान कभी भी देश के लिए शहीद हो सकती है, मगर मेरा रीलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के जरिए वापसी करेगा। तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। हाल ही में कंगना रनौत ने सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव के उस सीन और डायलॉग पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें जीशान आयूब भगवान शिव के भेष में नजर आ रहे हैं। जब वेब सीरीज के मेकर्स ने माफी मांगी तो कंगना ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी और वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर से सवाल किए थे। इसके अलावा कंगना ने तांडव के बारे में चर्चा करते हुए एक ट्वीट के जवाब में लिखा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था, पहले शांति फिर क्रांति, इनका सिर कलम करने का वक्त आ गया है, जय श्री कृष्ण। कंगना के इस ट्वीट को काफी लोगों ने ट्विटर को रिपोर्ट किया था। बाद में ये ट्वीट कंगना रनौत ने डिलीट भी कर दिया था और तब से ही ट्विटर पर #suspendkanganarnaut ट्रेंड करने लगा। वहीं इन दिनों ट्विटर अपनी पॉलिसी को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। हाल ही में ट्विटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। इसी बीच अब कंगना का भी अकाउंट ट्विटर द्वारा बैन कर दिया गया। इसी पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। अगर कंगना के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में एक नई फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दीवा है। हालांकि फिल्म ऐलान के बाद से ही विवादों में फंस गई है। इसके अलावा कंगना के पास तेजस, धाकड़ और थलाइवी जैसी कई फिल्में हैं।